हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा की कैटेगरी बढ़ाकर जेड प्लस कर दी गई है। राज्यपाल खान के खिलाफ केरल के कोल्लम जिले में शनिवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। उनके ऐसा करने के बाद खान अपने वाहन से बाहर निकले, फिर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क किनारे दुकान के सामने बैठ गए। इस घटना के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला लिया गया, लेकिन इसी बीच ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये VVIP सिक्योरिटीज होती क्या है। Z, Z+, Y+ इन सिक्योरिटी को ऐसी कैटेगरी मिलती कैसे है, तो आज हम आपको इसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि देश में सरकार द्वारा कुछ लोगों को सुरक्षा दी जाती है। ये सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें किसी तरह का खतरा होता है। सुरक्षा एजेंसी व्यक्ति की जान के खतरे को देखती है और उसके आधार पर सुरक्षा दी जाती है। भारत में आमतौर पर 5 तरह की VVIP सुरक्षा दी जाती है। पहली ये है कि Z+, दूसरी Z, तीसरी Y+, चौथी Y और पांचवी X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। बता दें कि ये सभी श्रेणियां इनकी सिक्योरिटी लेवल और कैपेबिलिटी के अनुसार दी जाती है। बात अगर Z+ सिक्योरिटी की करें तो भारत में Z+ सिक्योरिटी सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। Z+ सुरक्षा में संबंधित व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात रहते हैं। ये सभी कमांडो 24 घंटे व्यक्ति के चारों तरफ पैनी नजर रखते हैं। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। इसके साथ ही इस जत्थे में आधुनिक हथियार भी शामिल होते हैं। भारत में Z+ सिक्योरिटी पाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत एवं अंबानी परिवार समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। वहीं Z+ सिक्योरिटी के बाद सबसे सुरक्षित सिक्योरिटी मानी जाती है Z सिक्योरिटी। ये Z+ से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें संबंधित व्यक्ति के आसपास 6 से 7 NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 22 जवानों का जत्था रहता है। ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के जवानों द्वारा दी जाती है। भारत में बाबा रामदेव सहित कई बड़े अभिनेताओं और नेताओं के पास ये सुरक्षा उपस्थित है। जेड सिक्योरिटी के बाद आती है Y+ सुरक्षा। जानकारी के लिए बता दें कि सुरक्षा के घेरे में 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं। इसके साथ ही इस जत्थे में पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सरकार ने यही सुरक्षा प्रदान की है। वहीं बात वाई श्रेणी की करें तो वाई श्रेणी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 8 जवानों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO भी प्रदान किए जाते हैं। भारत में श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। अब भारत की एक और श्रेणी की सुरक्षा की बात करते हैं, जिसका नाम है X और जो कि लास्ट है। आपको बता दें कि X श्रेणी की सुरक्षा में संबंधित व्यक्ति के पास 2 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा भी प्रदान की जाती है। भारत में काफी अधिक संख्या में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन सभी VIPs को ये सिक्योरिटी कौन देता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में VVIP लोगों को कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें SPG, NSG, ITBP और CRPF जैसी एजेंसीज शामिल है। इस सुरक्षा को लेने के लिए सरकार को एप्लीकेशन लेनी होती है। इसके बाद खुफिया एजेंसी व्यक्ति को होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है और उसके बाद ही सुरक्षा तय की जाती है। गृह सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ चीफ सेक्रेटरी की कमेटी तय करती है कि किस व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा दी जाए और किस व्यक्ति को नहीं। यही नहीं, आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा पर एक व्यक्ति पर महीने में 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस सुरक्षा का खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है। हालांकि अंबानी परिवार का उदाहरण ले तो वही इसका खर्च उठाता है, यानी इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप
नहीं होता। बता दें कि प्रधानमंत्री को मिलने वाली एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद जेड प्लस सुरक्षा दूसरा सबसे सख्त कवर माना जाता है। खैर, आपको इन समस्त सुरक्षाओं के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।